चाट गली में, अगर चाट का जो मेन हब है ना, हाँ तो यही है, ये पूरी गली में आपको हर तरीके का फूड मिलेगा। अच्छा है ना, बढ़िया एग्जैक्ट चाट फ्लेवर। ये मैं कुल्फी डाल रहा हूँ इसका ना, कौन सी फ्लेवर है? रबड़ी कुल्फी होती है। रबड़ी, ये मेरी आइसक्रीम है, आइसक्रीम। उसके बाद में ये रबड़ी डाल रहा हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और उसके बाद में ये ब्लू अफजल डाल रहा हूँ। तो फरी एक बार तमारा माटे एक नवो वीडियो लईने आवी गयो छुं अने अत्यारे आगरा शहर में हूँ सदर रोड पर छू। सदर ज कहवाय ने, सदर रोड पर छू। अने पेठा लेवामां मैं तमने जे आनी पहला एक विडियो में एड्रेस कीधु छे, कदाच ई विडियो पहला आवशे के पछी आवशे मने ख्याल नथी, पण ई एड्रेस मने ख्याल आव्यो अहींया एक लोकल जे छे ब्लॉगर एने मळीने के ई खोटी जग्या रोंग जग्या हती, साची जग्या तमे आगरा आवो तो सदर रोड पर 100% आवाना छो, केम के अहींया एक मार्केट छे, सारी एवी मार्केट छे अने स्ट्रीट फूड भी सारू छे। तो अँ आ शॉप छे पाछड़ पंछी पेठा, आ ओरिजिनल ब्रांच छे अहींनी, तो अँ जरूर थी आवजो। अने मारी साथे जे अत्यारे यश भाई, ये आगरा के ब्लॉगर है, चैनल है इंस्टाग्राम पे सीरियस बुक क्लब आगरा, तो फॉलो कर लेना, फॉलो कर लेना भाई। आगरा का कोई भी फेमस फूड तमारे जोवू होय तो आमना इंस्टाग्राम पेज ऊपर तमने जोवा मिली जशे। और कुछ सजेशन भी चाहिए तो मैसेज कर सकते हो आगरा के, ठीक है? तो अभी चलो शुरू करिए। ये है ना खाऊ गली, हाँ ये पूरी काट के लिए यार, हाथ में मतलब कदम रखने को जगह नहीं होती। वो यार पूरी शॉपिंग कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ये पूरा सदर मार्केट पूरा, मतलब आप जैसे कंफ्यूज हो ना कि मैं कहाँ से क्या लूँ, अच्छा तो आप यहाँ से कुछ भी लोगे ना वो पैसे। अच्छा यहाँ पे सस्ता महंगा सब। ये पराठा पूरा आपको, ये पूरा पूरी पूरी मिलेगा यहाँ पे आपको, बहुत सारी चीज़ें। ये अपना मेन है आगरा चाट पेठा। अच्छा ये मेन है, अच्छा हाँ हाँ कोई भी है। तो अभी यस, ये कौन सी जगह है? ये अपनी सदर में चाट गली है, मतलब चाट गली में अगर चाट का जो मेन हब है ना, हाँ वो यही है। ये पूरी गली में आपको हर तरीके का फूड मिलेगा। अच्छा आपका चाट हो गया, भल्ला, टिकिया, ये टिकिया यहाँ बहुत मशहूर है। आप भल्ला टिकिया नहीं खाया आगरा में आके तो मतलब चाट का कुछ मज़ा ही नहीं लिया। अच्छा और बेसिकली आगे आपको मिल जाएगा फालूदा, मिल जाएगा ये आपका ये ओपन पनीर टिक्का एंड पराठे भी हैं यहाँ पर। यहाँ सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, कहीं भागने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले वो ट्राई करते हैं भल्ला, अपन ट्राई कराया करते हैं भल्ला बोलते हैं ना, हाँ तो आप देखा ये
ये एक्चुअली टिक्की भी है अने टिक्की भी कहवाई अने तीखी रहता है, मतलब तीखे लोगों के लिए इसमें आप सॉल्ट ना डलवाओ तो बिल्कुल तीखा है, थोड़ी और सॉल्ट बढ़वा लोगे तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फ्लेवर यही मिलेंगे। बंदे वाला जो एग्जैक्ट फ्लेवर आएगा ना वो इसी शॉप पे आएगा। चटपटा लग रहा है, चटपटा है, चटपटा चीज है। एक्चुअली साबुदाणा वड़ा जो आप गुजरात में खाता हो ऊपर नो जो टेस्ट आए ये फ्लेवर ई रीतनी आए बहु मस्त है। अने मने यसे वात गिरी कि आ सदर बजार में सौथी ओल्ड शॉप आ एकज है, आ एकज थी एटले आ जगह जरूर थी आवजो, ट्राई करजो। भैया इसकी प्राइस क्या है? 50 50 रुपया की कीमत है। आजा बढ़िया आजा यस ट्राई करे जा। मैं तो यहाँ पे बचपन से आ रहा हूँ। बचपन से? पहले मम्मी पापा के संग आता था, अब मैं दोस्तों के संग आता हूँ। और वही सेम फ्लेवर है हर चीज के, इसकी सॉल्ट ले लो चाहे आप इसकी ग्रीन चटनी ले लो चाहे इसकी फिलिंग ले लो, हर एक चीज इनकी मतलब वही परफेक्ट है जो मैं बचपन से ट्राई कर। अच्छा बढ़िया है ना। तो आप जब भी आगरा हो तो सबसे पहले यहाँ पे जरूर आना, ठीक है? सबसे पुरानी शॉप यही है आगरा चाट। ओके अभी यस यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कुल्फी फालूदा ट्राई। ये इनका बहुत अच्छा स्पेशल है, चाट गली में है। तो आप यहाँ पे आके इनकी डेजर्ट के तौर पे हम ये ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट है। ओके कुल्फी फालूदा दीजिए। ये कौन सी फ्लेवर है? ये मैं कुल्फी डाल रहा हूँ इसके अंदर। कौन सी फ्लेवर? कुल्फी रबड़ी। इसके बाद मैं इसमें आइसक्रीम डालना। अच्छा ये मेरी आइसक्रीम आइसक्रीम। उसके बाद मैं ये रबड़ी डाल रहा हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और उसके बाद मैं ये ब्लू अफ्जा डाल रहा हूँ। ये कंप्लीट है, आप ट्राई करें। आज वो फालूदा जबरदस्त भाई, गुलाब ने फ्लेवर है, आ तो गुलाब नु शरबत नी याद आ गई। हवे बीजू बाइट लीधु त्यारे ओली रबड़ी आवी मोढामां। भैया इसकी प्राइस क्या है? 70 rupees 70 rupees ની પ્રાઇસ છે, પણ પૈસા વસૂલ છે। આ ચાટ ગલીમાં તમે કાંઈ ભી ખાઓ એ પછી આ ડેઝર્ટની રીતના તમે ટ્રાય કરવાની જરૂર છે, ખરેખર મજા આવશે। અને આગ્રામાં કોઈ ભી ગુજરાતી આવે તો 100% હું તો એને પ્રિફર કરીશ કે આ સદર બજારમાં જરૂર આવવું જોઈએ। મેં એક વસ્તુ એક વાત નોટિસ કરી યસ કે સદર બજાર હે ને વો પૂરે ઇન્ડિયામાં કંઈ પૂરે શહેરોમાં सदर बाजार तो एक होता ही है, हमारे गुजरात में राजकोट में भी है। सदर में क्या होता है ना, आपको उस सिटी की हर एक चीज मिल जाएगी अवेलेबल एक ही जगह, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये फर्क पड़ता है जबरदस्त। अभी हवे यस ट्राई करशे अने वीडियो तमने पसंद आयो हो तो बधु बधु लाइक कर देजो, लाइक करवाथी अमने थोड़ो सपोर्ट मिली जशे। શેર કરી દેજો જે આપણા બીજા ગુજરાતી ભાઈઓ સુધી આ વિડીયો શેર કરવાથી એને નોલેજ મળી જાય, અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આગ્રાનો વિડીયો તમને એપિસોડ કેવો લાગ્યો। ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત। અગર આપ સર્દીઓ મેં આવો તો અંકલ ગરમ ગરમ રસગુલ્લે બેચ રહે હો। અચ્છા
के ऊपर वो आइसक्रीम मतलब कुल्फी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अंकल। हाँ तो ऐसा नहीं है कि अभी ये है तो सर्दियों में भी यही मिलेगा, सर्दियों में इनका कुछ और कंसेप्ट होता है। अच्छा आएँ ज़रूर ट्राई करें, कभी भी आएंगे आपको चाट गली में कुछ नया ही मिलेगा। अच्छा तो आगरा की एक बेस्ट प्लेस है। चॉकलेट चॉकलेट का बना हुआ गुलाब जामुन जो फुल चॉकलेट से बना हुआ है। अच्छा जो सर्दियों में ही बनाता हूँ भाई, इन दिनों में मैं रियल मैंगो करके बनाता हूँ। अच्छा जिसके अंदर अंदर गुड्डी नहीं होती, इसके अंदर रबड़ी रबड़ी होती है। अच्छा इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ये बात है, ये देखो अभी ये तो खजाना निकला। इसको बोलते हैं मैंगो कुल्फी जो कि रियल मैंगो होता है। रियल मैंगो कुल्फी इसके इसको आम बोलते हैं और इसके अंदर गुल्डन ना होगा, इसके अंदर मैं रबड़ी बनता हूँ। रबड़ी है अंदर, ठीक है दिखाओ। इसको रियल मैंगो कुल्फी है, अभी तैयार नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तैयार। ओके पौना घंटा लगेगा अभी, तो पास से दिखा दो। पास से आप देखिए ये मैंगो। अच्छा बट्टू अहियाँ थी ज़्यादा ज़्यादा टाइम में वड़ी आ भाई आपने आ रीतना एक बताई बात कि रियल मैंगो में आ रीतन एक कई इनोवेशन है, तो ट्राई करजो ने जरूर थी टेस्ट करजो जो अँ बने फालूदा।